विजय देवरकोंडा ने इस साल लाइगर के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में उन्होंने एक बॉक्सर का किरदार निभाया था, जिसके लिए विजय देवरकोंडा ने ट्रेनिंग भी ली थी। इसी बीच उन्हें कंधे में चोट आई थी। विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपना हेल्थ अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि वे 8 महीने बाद अपनी चोट से उबर आए हैं। विजय देवरकोंडा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फ़ोटो शेयर की है, जिसमें उनके कटे कटे हाथ दिख रहे हैं। वे 8 महीने बाद अपने कंधे में लगी चोट से उबर गए हैं। उन्होंने लिखा, 8 महीने के रिहैब के बाद पीठ लगभग ठीक हो गई है। अंदर का जानवर बाहर आने के लिए तैयार है। बहुत लंबे समय तक मैं कैद था। हार्डवर्क करो और सभी को प्यार। विजय देवरकोंडा लाइगर में अनन्या पांडे के साथ नजर आए थे। पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों का बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला था। विजय देवरकोंडा की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म राम्या कृष्णन में भी नजर आई थी। विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी फिल्म जनगणमन की तैयारी में जुटे हैं। इस फिल्म का निर्देशन पुरी जगन्नाथ कर रहे हैं।